यहाँ से लखनऊ चला जाओ, जहाँ लागत रहा 6 घंटा तो आप 3 घंटे में पहुँच जाओ लखनऊ। बहुत अच्छी हो गई, बिजली की समस्या अच्छी हो गई, विकास तो सही है भैया, विकास में कोई फर्क नहीं है। आने वाला भी यही है कि सरकार जो न चलने बनी सड़क बनी है, अभी सड़क अभी बहुत जल्दी बनी है, ये पहले सड़क नहीं बनी थी। यहाँ से बलरामपुर आदमी जाने के लिए घबराता था, आज इस सरकार में BJP के सड़क बनी है। लाइट नहीं रहती थी, 8 दिन रात में रहती थी, 8 दिन अब 24 घंटा बत्ती रहती, कभी वैसे आंधी पानी आया तो लाइट कट जाता है जी। हालत में यहाँ ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो ये दारू पे मतलब 10-15% वोट बढ़ जाता है, उससे जो है बहुत लोग बर्बाद हो गए इस इलाके में। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ये, इसको अगर सरकार बंद करा दे। तो चलिए, सर्वे के इसी क्रम में दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम पहुंच चुकी है गैसोड़ी विधानसभा क्षेत्र के बालापुर चौराहे पर। ये काफ़ी पिछड़ा एरिया माना जाता है, थारू बेल्ट यहीं से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ तक विकास के जो दावे थे वे कितने खरे उतर पाए हैं, कहाँ तक कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में। क्योंकि जब इन पिछड़े क्षेत्रों में विकास की लहर दिखाई पड़ती है, विकास दिखता है, सरकार के दावे पूरे होते दिखते हैं, तभी लगता है कि हाँ सरकार ने अच्छे काम किए हैं और विकास हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस क्षेत्र के निवासी हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जो अच्छे काम करेगा वही आएगा, अब हम कुछ नहीं बता सकते उसके बारे में। आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? आप किसको वोट देंगे? अब जो टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी निर्णय नहीं लिया है, बिल्कुल हम नहीं सुना चाहिए थे, हम देवे वही मोदी कहीं, बस सीधी सीधी बात बच जाओ। योगी को ही? हाँ हाँ बस। आप किसको ला रहे हैं? हाँ भैया, हम ये निवासी नहीं हैं, गोंडा जिले के हैं, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं जी। तो वहाँ की अगर बात करें, वहाँ से रहने वाले हैं, वहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ कैसा माहौल है, वहाँ से कौन? अब वहाँ मोदी जी के है, मोदी जी की ज्यादा। तो चलिए इसी कड़ी में और भी हम आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ शिक्षित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शिक्षित लोग हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सरकार तो मोदी जी का बहुत बढ़िया रहा हाँ, लेकिन अब शैलू सिंह का तो वह खाली अपन कहा से आज बजिए में यहाँ 5 सालिया बिताए दी हैं हाँ। और देहात में यहाँ उनका कोनो काम दिखात नहीं है, और मोदी जी का तो भाई यहाँ से लखनऊ चला जाओ, जहाँ लागत रहा 6 घंटा तो आप 3 घंटे में पहुँच जाओ लखनऊ। हाँ, रोड की समस्या काफ़ी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, बिजली की समस्या अच्छी हो गई। तो मान लो जो कोरोना आई तो सब देश में आया कोरोना ना, उससे जो नुकसान देश का हुआ वो सब देश का हुआ, खाली भारत का थोड़े नुकसान हुआ अकेले हैं। अब कोरोना में जैसे मतलब ये रहा कि लॉकडाउन हो जाता रहा, गरीब आदमी मजदूरी नहीं पावत रहे, दुकान पे यहाँ ग्राहक नहीं आवत रहे, दुकान खोले बैठा रहते रहे, हफ्ता में यहाँ मतलब दुकान खुलते नहीं रहा। तो अब यही कुछ समस्या रहा। अब विधायक के तो कुछ काम नहीं दिखत है, देहात में कुछ नहीं। हाँ, देहात में सिर्फ जो हाईवे वाले काम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन देहात में जो मतलब जो चले जाइए यहीं से रनियापुर 3 किलोमीटर है, लेकिन आप मोटरसाइकिल से नहीं जा पाएंगे। हाँ, इतना खराब रास्ता रोड है। हाँ, लोकल सड़क जो देहात के सड़क हैं वो सब टूटा फाटा वैसे पड़ा है। हाँ, ये बहुत अच्छी सड़क। हाँ, समझ बिजली तो फिलहाल भाजपा सरकार में ठीक है रहा, आओ सरकार के मुकाबले आओ लोग बता दे 16 घंटा बिजली देवे तो 8 घंटा नहीं देते रहे, और इसमें तो अगर इन्वर्टर लोगन के खराब नहीं है तो समझ लीजिए समस्या ना है बिजली का। अब भैया देखो सरकार किसका बने जो है, लेकिन अब फिलहाल तो हम लोग किसी के समर्थन में नहीं है, उस टाइम समय आएगा देखा जाएगा। और जब यही 2-4 काम समझ में आता है, बाकी तो और बहुत कुछ समस्या है समझ लीजिए। ऐसा भी सुनने में आता है कि पिछड़े इलाके जो हैं इधर
काफ़ी कि युवा जो हैं नशे के शिकार हैं, शराब हो गया, बहुत सारी चीज़ों में, तो उसमें भी लोग लालच में आके वोट दे देते हैं। उसमें लालच में यहाँ ऐसा है कि जब चुनाव आता है तो ये दारू पे मतलब 10-15% वोट बढ़ जाता है। जो है इधर ज़्यादा सेलिंग है, बिक्रता है इधर जो है, और इससे बहुत लोग बिगड़ जाते हैं, ज़िंदगी उनके परिवार बिगड़ जाते हैं। तो इसके लिए अगर सरकार उसको ख्याल करे, बंद करा दे उसको, लेकिन प्रशासन जो है पैसा लेकर के जो है बेचवाती है, और कौन बोलेगा, प्रशासन ही मेन है। हाँ नहीं, वो सब लोकल वाला घरेलू दारू है, वो सब देसी वाला थारू के यहाँ बनता है वो सब। हाँ उससे जो है बहुत लोग बर्बाद हो गए इस इलाके में। हाँ बहुत बड़ी समस्या है ये, इसको अगर सरकार बंद करा दे। कुत्ता जानवर क्या है ये तो हमेशा हर सरकार में पिए वाले पीते थे, गुटखा खा वाले गुटखा खाते थे, पान खा वाले पान खाते थे। ये कोनो बड़ी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या ये जो मतलब ये जानवरों की है, जो इनका छुट्टा छोड़ दिया गया है। अब रात और दिन हम ड्यूटी थोड़े दे पाए, अगर हम किसानों के ही तो जानवर हैं, कहीं ना कहीं किसान नहीं छोड़ के। हाँ कहते कि मोदी जी या योगी जी जब चाहें तो घर में माते ना ही निकले दिन, तो ये कैसे निकल आई नहीं देते। जिम्मेदारी बनती है भाई, क्यों योगी जी चाहें कि घर में रहो हैं तो रोड पर नाटा रहा, आदमी दिखत नहीं रहे, तो अब वो शक्तिशाली हो जाए तो जिसका जानवर हो उनके घरे पहुंच जाए, ऐसा भी कर सकते हैं हम। चलिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी पॉलिटिकल मंत्रा की टीम और भी आगे चलती है और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में कितने हद तक विकास हुआ है। बीजेपी की सरकार ने जिन दावों के साथ वोट मांगा था जनता से, वो क्या उन दावों पर खरा उतर पाई है या नहीं, और इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं को लेकर जनता किस ओर मुड़ रही है। आने वाले समय में 5-6 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब देखना ये होगा कि किसकी तरफ जनता जाती है, किसकी सरकार बनाती है। तो बने रहिए टीवीएम न्यूज़ के साथ। तो चलिए सर्वे के इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया कि बालापुर चौराहे पर हैं, गैसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ से थारू बेल्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से, जनता से, कि उनका क्या विचार है, इस बार उनके मन में क्या है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। और ये जो चौराहा है बालापुर, ये मेन थारू बेल्ट का, ये पूरे क्षेत्र का एक तरह से बड़ा चौराहा माना जाता है। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र के लोग आते रहते हैं, पूरी जनता आती है। तो यहाँ पर भी ये कुछ लोग हैं, यहाँ की जनता है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं हम कि आखिर उनके मन में क्या है, अब की बार वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। और यहाँ पर विकास की बात की जाए तो विकास को लेकर क्या दृश्य रहा है, इन 5 सालों में विकास के जो दावे रहे हैं सरकार के, वो कितने हद तक पूरे हो पाए हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर हैं। विकास तो सही है भैया, विकास में कोई फर्क नहीं है, आने वाला भी यही है कि सरकार जो न चौने बने, बीजेपी की बने। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई हो गई। हाँ महंगाई, डीजल पेट्रोल और हर चीज GST लगाया है, बाकी अब सरकार कोने जुगाड़ से कोने हिसाब से लगाया है, ये तो सरकार जाने महंगाई, बाकी विकास के लिए तो विकास ठीक है। विकास हुआ है। जानवर तो नुकसान किसान के ही नहीं, बीजेपी जो है जानवर का छोड़वाइश तो कि जो है ठीक रही, जानवर सुरक्षित रही है, तो जानवर सुरक्षित कुछ नहीं है। बरसात में जानवर भीगत हैं, रोज सड़क पर मरत हैं, गाड़ी मोटर से कचर मरत है, तो जानवर के तो कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार के यहाँ अगर जानवर के लिए कुछ सुरक्षित किए तो जहाँ दिए तहाँ पंजे पर धान खाए को कर रहिए, कोई विकास नहीं जानवर के लिए वहाँ है। बाकी मनई के लिए जो है राशन पानी सरकार जो दिए से तो मनई के हम मिला है, कोटा जो मिल रहा है वो जो है राशन कार्ड पे कोटा बराबर मिलता है। बाकी जो है महंगाई में यह डीजल पेट्रोल है या और कोई सौदा है, GST लगाए के वजह से महंगा है, हर सामान पे सरकार GST लगाए दी। अभी कौने जुगाड़ से GST जब सरकार लगावती, का करती का नहीं करती तो सरकार जाने। तो महंगाई में है तो कोई आदमी छोटका बड़का सब परेशान है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली पिछले सरकार से कितनी सही है इसमें? पिछले सरकार के जिस बिजली रहा वैसे ही सरकार और सुधार करे कहीं रहा, तो सुधार नहीं भा है। बिजली आवत ही 2 मिनट आ रहा थी, 10 मिनट कट जाती,
रात में बिजली 10 बजे गई, पूरी रात बिजली नहीं आई इतनी जून भर। तो अब जो है बिजली के तो कोनो तुलना नहीं है कि कब आवे कब जाए और कब रहा है कब न रहे। सड़कों की बात की जाए तो सड़कों की स्थिति क्या? तो स्थिति बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसा सड़क कोई सरकार में नहीं रहा, जैसी बीजेपी सरकार में सड़क बना है वह कोई सरकार में नहीं रहा। सड़कों की स्थिति, अगर सड़कों की बात की जाए तो अच्छी रही है सरकार। हाँ। बिजली की थोड़ी समस्या है। हाँ, हमारे एरिया में तो अच्छी है जी, यह सड़क कब बनबे नहीं की ना। यही बालेपुर का है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के निवासियों से कि क्या स्थिति है विकास के, विकास को लेकर। इसी कड़ी में चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी दुकानदार यहाँ पर हैं, उन दुकानदार से ही हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। विकास की बात की जाए तो बिजली हो गई, सड़क हो गई, और विभिन्न जो समस्याएं थी पहले की, जो समस्याएं, वो समस्याएं कितने हद तक हल हुए हैं? तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, हल हो गया है, रोड भी, बिजली भी, ठीक, सब अच्छा। सड़कों की स्थिति सुधरी है, लेकिन बिजली भी अभी भी बहुत दिक्कत है। बिजली सही है, जैसे यहाँ दिक्कत ये है कि जंगल से लाइन होके आती है, ठीक है, 33,000 जो है लाइन जंगल से होके आती है। अब बारिश होने लगता है तो लाइन काट देते हैं, वही दिक्कत है बस। बारिश यहाँ से थारू बेल्ट स्टार्ट होता है, तो जनजातीय क्षेत्र एक तरह से शुरू हो जाता है, तो अगर ये पिछड़ा एरिया भी काम माना जाता है, एक तरह से कहा जाता है, तो यहाँ पर अगर विकास के दावों की बात की जाए, बीजेपी जिस तरह से वोट मांगी थी पिछली बार आई थी और विकास के तमाम दावे किए थे, तो वो कितनी हद तक पूरे हो पाए? वैसे तो हो गया है 80% तक। हाँ, 80% हो गया है। हाँ, और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में क्या है। सर, आपको क्या लग रहा है? सर, मोदी जी रही है खाली। हाँ, बीजेपी के काम बहुत किया उसने, बिजली, लाइट, पानी सब मिला। कोरोना में कोनो दिक्कत नहीं हुआ, नहीं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी आई हैं क्षेत्र इस बीच में, तो उसको लेकर भी लोगों का आरोप है। नहीं, कुछ नहीं, स्कूल बंद है, फिर चालू हो गया ना। बीजेपी के समर्थन में है, कुछ नहीं, सरकार बना रहे हैं, बताइए। बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। चले, ये भी बीजेपी की, इसकी 5-6 महीने बाद इलेक्शन है, तो किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? बीजेपी, बसपा, सपा, किसकी? भाजपा जीतेगा, भाजपा जीतेगी। चलिए, अभी भाजपा वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने कितना कुछ विकास किया है, और आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी जी। हाँ, बीजेपी की। हाँ, 350 सीट लाएगी। 350? हाँ, आपकी। अच्छा, तो इनका कहना है कि 350 सीट लेकर आ रही है। अगर विकास की बात की जाए तो क्षेत्र में जो भी समस्याएं थी वो कितने हद तक सही हो? बहुत ज़्यादा खत्म हुई है। ये अभी सड़क बनी है, अभी सड़क अभी बहुत जल्दी बनी है, ये पहले सड़क नहीं बनी थी। यहाँ से बलरामपुर आदमी जाने के लिए घबराता था। आज ये सरकार में बीजेपी के सड़क बनी है। हाँ, बहुत सी स्थिति सुधरी है। लाइट नहीं रहती थी, 8 दिन रात में रहती थी, 8 दिन, अब 24 घंटा बत्ती रहती। कभी वैसे आंधी पानी आया तो लाइट कट जाता है जी। हाँ, लाइट रहती है। हाँ, काफ़ी अच्छा काम किया और सुविधा भी बहुत दिया। दे रही है सरकार, फ्री दी है, महीने में 2 बजे फ्री गल्ला दे रही है। अब आप कहा लोगे, बहुत है सरकार दे रही है। ये आपके अकॉर्डिंग भी बीजेपी ने काम किया है? कुछ लोगों का आरोप भी है कि बीजेपी ने उतना अच्छा काम नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने कहेंगे ना, जनता से ही हमने बात किया है, जनता ने ही कहा है कि बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया जितना अखिलेश ने किया है। अरे, वो तो अपना सभी बताएंगे ना। हाँ, बीजेपी। चलिए, बीजेपी के समर्थन में ये भी हैं, तो आगे और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तक बने रहिए हमारे साथ और देवीएम न्यूज। संतोष कुमार प्रजापति कैमरामैन के साथ, मैं दुर्गेश बहादुर प्रजापति।